तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो है वो हम अपने एंड्रॉयड टीवी स्मार्ट टीवी के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बिना किसी एप्लीकेशन के थ्रू। देखिए दोस्तों, कई बार हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है गूगल होम एप्लीकेशन के बारे में, या फिर दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि एप्लीकेशन के थ्रू हम कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को जो है शेयर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिना मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन ही हम कैसे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर स्मार्ट टीवी के साथ। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन बार में ही यहां पर स्क्रीन कास्ट करके एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी नोटिफिकेशन बार के अंदर स्क्रीन कास्ट करने का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन बार में स्क्रीन कास्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको मंगा सकते हो और कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को जो है अपने टीवी के साथ शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ऐसा 100% कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, अगर हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर स्क्रीन कास्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है मीरा कास्ट। अगर दोस्तों हमें मीरा कास्ट एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करते हैं और दोस्तों उसको एक बार हम यूज़ कर लेते हैं मीरा कास्ट एप्लीकेशन को, तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन बार में स्क्रीन कास्ट करने के एक ऑप्शन आ जाता है। अगर दोस्तों फिर भी नहीं आ रहा है तो उसके लिए दोस्तों हमें लेना है अपने मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन की सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में आने के बाद हमें टाइप करना है दोस्तों, सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना है दोस्तों स्क्रीन कास्ट। कई लोग स्क्रीन कास्ट भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन मीरा कास्ट भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों स्क्रीन मिररिंग भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख के सर्च करो दोस्तों, कुछ भी मैच होना चाहिए बस। यहाँ पर स्क्रीन कास्ट जैसे ही मैंने लिख के सर्च किया, ये स्क्रीन कास्ट आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन कास्ट मैंने ऑलरेडी इनेबल भी किया हुआ है। दोस्तों याद रखिए, स्क्रीन कास्ट तब इनेबल होता है जब आपका वाईफाई ऑन रहता है। तो सर्च करने से पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन का वाईफाई जो है वो ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन कास्ट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन कास्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप दोस्तों स्क्रीन मिररिंग करके सर्च कर सकते हो, या फिर दोस्तों स्क्रीन कास्ट लिख के सर्च कर सकते हो, या फिर दोस्तों मीरा कास्ट भी लिख करके सर्च कर सकते हो। तो आपके फ़ोन का जो दोस्तों वाईफाई है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में ऑलरेडी स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन दोस्तों आप चाह के भी अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपके जो एंड्रॉयड टीवी है आपके पास उसमें मीरा कास्ट एप्लीकेशन है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मीरा कास्ट एप्लीकेशन के थ्रू ही हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को जो है वो शेयर कर पाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन बार में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसको दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ मीरा कास्ट से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीरा कास्ट का फीचर्स जो है दोस्तों वो हमें कुछ ही टीवी में देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों अगर हम मी टीवी परचेस करते हैं तो मी टीवी में हमें मीरा कास्ट का एप्लीकेशन दिखाई देता है जिसको हम ओपन करके हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो अपने एंड्रॉयड टीवी में कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी है या फिर एंड्रॉयड टीवी है तो दोस्तों आप एक बार जरूर चेक करें कि उसमें मीरा कास्ट एप्लीकेशन है कि नहीं। अगर दोस्तों मीरा कास्ट एप्लीकेशन है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक थर्ड पार्टी मोबाइल फ़ोन लेना है, उसका हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। याद रखें दोस्तों, उसमें इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ ये करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन और आपका स्मार्ट टीवी जो है वो सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। सेम वाईफाई से मतलब दोस्तों जिस भी वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्टेड है उसी वाईफाई से आपका टीवी भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये चीज़ वर्क करेगा। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको अपना टीवी का जो है मीरा कास्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। मीरा कास्ट एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करते हो उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में जाइए, और यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन कास्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके टीवी का नाम दिखाई देने लगेगा। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, अपने टीवी के नाम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो है आपके टीवी के साथ शेयर हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास है रियल मी एंड्रॉयड टीवी, लेकिन मेरे टीवी में मीरा कास्ट एप्लीकेशन नहीं है।
तो दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि मीराकास्ट एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि दोस्तों मीराकास्ट एप्लीकेशन जो है वो हमें गूगल के प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो इसके बारे में दोस्तों हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके स्मार्ट टीवी में मीराकास्ट एप्लीकेशन है किसी भी कंपनी का हो तो आप ज़रूर इसको यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।